आस्था का महापर्व यानी छठ पूजा आज नहाए खाए के साथ शुरू हो चुका है। छठ पर्व शुरू होने के साथ ही नदी तालाबों की साफ सफाई पर भी प्रशासन लग गई है। इसी बीच छठ पूजा के मद्देनजर आज सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के कांके डैम का निरीक्षण किया। सीएम ने कांके डैम में बने छठ घाट की साफ सफाई का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री सोरेन के साथ उनके सचिव विनय कुमार चौबे, रांची नगर निगम के आयुक्त अमित कुमार समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। सीएम ने पदाधिकारियों से छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा संबंधित जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सीएम सोरेन ने कांके डैम के निरीक्षण की तस्वीरें साझा करते हुए ट्विटर पर लिखा, आज से शुरू हुए लोक आस्था और उपासना के छठ महापर्व को लेकर रांची स्थित विभिन्न तालाब घाट पर जाकर साफ सफाई और सुरक्षा समेत अन्य व्यवस्थाओं एवं सुविधाओं का निरीक्षण किया। छठ व्रतियों एवं उनके परिवारजनों को हर संभव सुविधा देने हेतु भी अधिकारियों को निर्देश दिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।